नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने वाराणसी से लड़ रहे तेज बहादुर यादव के नामांकन को रद्द कर दिया है। आपको बता दें, बीएसएफ का ये जवान भ्रष्टाचार और मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। तेज बहादुर यादव का मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना देश भर में चर्चा का विषय था, और हो भी क्यों ना। एक तरफ बर्फ में देश के दुश्मनों से देश की रक्षा करने वाला असली चौकीदार, तो दूसरी तरफ 10 लाख का सूट पहनकर रूम में मशरूम रोटी खाने वाला चोर चौकीदार। नामांकन रद्द होने के बाद तेज बहादुर यादव ने कहा, उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है। उन्होंने कहा, मैंने सारे सबूत दिए थे मगर तानाशाही तरीके से मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया है। हमारे कहा गया है कि जो आपसे एविडेंस मांगे गए थे वो आप पेश नहीं कर पाए, जबकि हमारे से जो एविडेंस मांगे गए थे वो शाम को 6:15 पे मांगे गए। हमने कहा कि मैं कोई अडानी अंबानी नहीं हूं जो चार्टर प्लेन लेके दिल्ली चुनाव आयोग में जाऊंगा और एविडेंस लेके आऊंगा। तेज बहादुर यादव का कहना है, मेरा गुनाह सिर्फ इतना था, मैंने जवानों को दी जाने वाली जली रोटी और पानी जैसी दाल की शिकायत की थी। मैंने देश के सैनिकों के नाम पर ढकोसले पीटने वाली सरकार की पोल खोल दी थी। नामांकन रद्द होने पर तेज बहादुर यादव ने कहा, चुनाव आयोग से मैंने कहा था कि मैं अंबानी नहीं हूं कि इतने कम समय में सूचना ले आऊं। आगे तेज बहादुर यादव ने कहा कि कल शाम 6:15 चुनाव आयोग से साक्ष्य देने को कहा था, हमने साक्ष्य तैयार कर लिया था, फिर भी मेरा नामांकन खारिज कर दिया गया। मैं चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। बता दें कि तेज बहादुर यादव ने बीएसएफ में रहते हुए खराब खाने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। तेज बहादुर जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों को खराब खाना दिए जाने की शिकायत वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद चर्चा में आए थे। उन्हें झूठे आरोप लगाने के आरोप में जुलाई 2018 में बर्खास्त कर दिया गया था। मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने तो भ्रष्टाचार ही दिखाया था इनको। उस बर्फ़ के अंदर खड़े होकर पूरे देश ने देखा था कि बर्फ़ के अंदर खड़े होकर मैंने सिर्फ यही दिखाया कि प्रधानमंत्री जी, आज देश के जवानों को ये जली हुई रोटी और पतली दाल मिली, इतना ही साथ कहा था सिर्फ। उसके बदले में क्या मिला? नौकरी से बर्खास्तगी। उस बर्खास्त के दौरान मेरा इकलौता बच्चा 20 साल की उम्र में इसी सिस्टम से मारा गया। तो उन्होंने जो मेरी ये हालत की है, मेरी क्या बहुत से जवानों की हालत की, किसानों की भी यही हालत की है। आज नौजवानों का भविष्य देखिए आज क्या है। कह रहे थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या हुआ? कह रहे हैं कि बनारस के अंदर आप देखिए बनारस की क्या हालत कर दी। हम घूम के आए मंदिरों की, पुराने इतने पुराने मंदिर थे जो इतने सारे तोड़ डाले, हम नाम सुनते थे औरंगजेब का, लेकिन हमने तो आँखों से देख लिया औरंगजेब भाई। राष्ट्रवादी पार्टी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवादी पार्टी कहाँ से हो गई बताइए मुझे? राष्ट्र के लिए हम लड़ते हैं ना, वो कहाँ से राष्ट्रवादी? उनके खानदान में कोई आज तक गया है क्या फौज में? और हमारा तो इतिहास है, मेरे दादाजी खुद एक फ्रीडम फाइटर ईश्वर सिंह आज़ाद, जिनको ताम्र पत्रों से सम्मानित किया गया है, वो हमें क्या चैलेंज करेंगे राष्ट्रवाद के? उनको क्या पता राष्ट्रवाद क्या होता है? उनके राज्य में आप देखिए कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, कितने जवान मारे गए हैं, कितने जवान शहीद हुए हैं, आए दिन हो रहे हैं, बताइए आप कहाँ से राष्ट्रवादी हो गया? राष्ट्रवाद का अर्थ जानते हैं?